हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। जी, कैसे हैं? एकदम से बिंदास हैं और मुंबई की बारिश के मजे ले रहे हैं। जी, क्या चल रहा है इन दिनों? इन दिनों हम एक हिंदी मूवी का प्रोजेक्ट है जिसका टाइटल है सिंह द्वार, उसको हम कर रहे हैं और डायरेक्टर राजू चौहान हैं और काफ़ी रिनोल्ड हैं, काफ़ी अच्छी मूवीज़ उन्होंने दी हैं तो उनके साथ में काम कर रहे हैं। और देखो, इस मंथ के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगी और अक्टूबर में रिलीजिंग की प्लानिंग है। फिर किस तरह की फिल्म है, किस तरह की इसमें एक यूपी का इंस्पेक्टर होता है, काफ़ी ईमानदार होता है। जैसे आपने देखा होगा यूपी में काफ़ी जो यूपी पुलिस का जो एक करैक्टर होता है या यूपी पुलिस की जो एक छवि होती है आम जनता में, वो थोड़ी बिगड़ी हुई होती है। तो उसमें यूपी पुलिस का एक ऑफिसर आता है और वहाँ का जो माहौल है उसको सुधारने का प्रयत्न करता है और जनता में एक विश्वास जगाता है कि यूपी पुलिस सदैव आपके साथ है और विश्वास के साथ में है। तो मेन लीड सोलो करेक्टर है उसमें। शूट कहाँ कहाँ की गई है? शूट अभी मुंबई में एंड जो ओरिजिनल जगह है वहाँ पे हापुड़ यूपी का और ब्रिज घाट, वहाँ पे शूट करेंगे इसको। और अच्छे आर्टिस्ट हैं इसमें, एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुपम जी हैं और अब सुरेश बेरी वगैरह का काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं इसमें। तो उम्मीद है कि इस फिल्म से एक अच्छा मेरा बैकअप होगा और ऑडियंस काफ़ी अप्रिसिएट करेगी। क्या मैसेज देगा ये, अगर कोई दर्शक इस फिल्म को क्यों देखने जाएगा? इस फिल्म को इसलिए देखने जाएगा, क्या है कि एक जो यूथ है आज के टाइम पे, उनको एक जो पुलिस के प्रति एक नेगेटिविटी होती है, एक तो वो दूर होगी और एक जो एक खाली एक वर्दी का जो रोब होता है उसमें हम नहीं दिखाएंगे। वर्दी का रोब होगा केवल केवल जो गुंडा पार्टी है और जो समाज को एक हानि पहुंचाती है उसके लिए रोबा होगा। आम जनता के लिए वो एक जस्ट लाइक बड़ा भाई की तरह से होगा और उनका अपना बच्चे की तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो इसलिए वो लाइक करेगी क्योंकि उसमें से कोई भी आप ये देखेंगे जब जब किसी के साथ में उनके अपना करेक्टर आता है ना, कि वो ऑडियंस ये सोचते कि ये मैं हूँ, तब जाके उनके सेंटिमेंट्स और उनकी जो भावनाओं से जुड़ा होता है कोई भी सब्जेक्ट, तो एक अच्छा रिकवरी होती है और अच्छा ऑडियंस लाइक भी करती है। क्या तैयारी की है आपने इस फिल्म के लिए? इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी तैयारी तो मेरी ये है कि मैं काफ़ी इंतज़ार के बाद में मैं आ रहा हूँ मैं, और काफ़ी होल्ड डाउन की है मैंने अपने आप को और बॉडी पे भी काम किया है और फाइटिंग भी सीख रहा हूँ मैं इसके लिए। और मेरे डायरेक्टर्स ने काफ़ी इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि अभी फालतूगिरी ना करके एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करें, उसके लिए जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए, एक जो डायलॉग डिलीवरी चाहिए, उसके लिए जो स्टाइल चाहिए वो आपने करनी है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें चेंज ओवर भी नज़र आ रहा होगा आपको, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और जो करेक्टर के अकॉर्डिंगली जो चाहिए वो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। और कौन कौन सी फिल्म है आप? अभी एक फिल्म और मैं कर रहा हूँ मैं, हिंदी मूवी है वो भी, और काफ़ी टाइम हो गया, भोजपुरी भी मैंने की है तो, लेकिन अभी 3 साल से कोई भोजपुरी फिल्म की नहीं है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, सोलो मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, एक आर्टिस्ट के लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। और भोजपुरी ऑडियंस ने भी और जो प्रोड्यूसर्स ने भी काफ़ी अच्छा प्यार दिया है उन्होंने भी, और मैं कभी कभी जब भी प्रोग्राम्स होते हैं मैं अटेंड करता हूँ, तो मेरा अपना परिवार की तरह से। मेरे डायरेक्टर ने इंडस्ट्री को 25-30 साल दिए हैं और काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के में, और बहुत सारी चीज़ें मेरी जो छोटी छोटी कमियां हैं अभी तक के जो सब्जेक्ट्स में रही हैं उन पे इंडिकेशंस करते हैं। उन्होंने बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट भी किया है और इंडिविजुअल्स भी जो अच्छे स्टार्स और जो एक कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के पिलर्स रहे हैं उनको भी डायरेक्ट किया है, तो उनसे मेरे को काफ़ी सीखने को मिल रहा है और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी है। और आप चाहें तो हम बुला सकते हैं, डायरेक्टर साहब हमारे साथ में ही हैं और काफ़ी एनर्जेटिक हैं वो, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेके और उसके लिए एक भाई की तरह से प्यार देते हैं मेरे को। तो आप जो डिटेल्स में राजू जी बताएंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।